कर्क राशि 2023 शनि राशि फल, शनि देव का कैसा प्रभाव 2023 में आपके जीवन पर पड़ने वाला है, क्योंकि वर्ष 2023 के प्रारंभ में आपके जीवन में शनि की ढैया दशा प्रारंभ हो जाएगी और शनि की दशा का ये योग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस ग्रह के योग के प्रभाव के विषय में आप जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शनिदेव 2023 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या करने वाले हैं, क्या ग्रह योग उनकी कुंडली में बन रहे हैं और गोचर में कैसा असर शनिदेव दिखाने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, हमेशा न्याय करने वाले होते हैं, व्यक्ति को पकाकर, व्यक्ति को परेशान करके, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देकर उसे ऐसी शिक्षा दे देते हैं जिससे वो जीवन जीने का सही तरीका सीख जाता है। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और आठवां घर होता है जीवन और मृत्यु का, तो कहीं ना कहीं आठवें घर में शनि का गोचर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और वहीं शनि की ढैया दशा का भी योग आपके लिए बन रहा है। शनिदेव की ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कुछ परेशानियां देने वाली नजर आ रही है। कर्क राशि वाले जातकों को अचानक से धन से संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, धन की कमी से परेशान हो सकते हैं, जो सेविंग्स हैं उनकी वो सेविंग्स जो है खत्म हो सकती है, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो ये उसमें और भी वृद्धि करने वाला योग बन रहा है। पैसे के मामले में आपको इस 2023 में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि शनिदेव अष्टम के स्वामी होकर आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। दसवां जो घर होता है वो होता है कर्म का, व्यक्ति के व्यापार का, व्यवसाय का, जॉब का, और इस घर पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं व्यापार में, बिजनेस में या जॉब में परेशानी देने वाली मानी जा रही है। 2023 में संघर्ष काफी ज्यादा रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि शनिदेव की जो सीधी दृष्टि है वो धन के भाव पर भी है, तो धन से संबंधित परेशानियों के लिए जूझना पड़ सकता है। साथ ही साथ शनिदेव की एक जो दृष्टि बन रही है वो आपके पंचम भाव पर बन रही है, और पांचवा भाव होता है आपका प्रेम प्यार का, आपकी शिक्षा का, तो वही स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा परेशानी देने वाला भी बन रहा है। या तो आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन लगेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कभी कभी आप अपनी पढ़ाई से बोर हो जाएंगे और आप उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, आलस्य करेंगे, काम को टालने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग किसी एक जगह पर लगने वाला नहीं, दिमाग में कई चीजें चलेंगी और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहेगा, आपको अपने कैरियर की बहुत ज्यादा चिंता रहेगी इस साल में, और ये आपके लिए होना भी चाहिए क्योंकि शनिदेव आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी है, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली इनकम आपको होती है तो कहीं ना कहीं धन के लिए आपका संघर्ष आपको अच्छा धन दिला सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को वर्ष 2023 में कुछ समय तो बहुत अच्छी इनकम होगी, लेकिन कुछ समय लॉसेस भी हो सकते हैं, पैसा फ्रीज हो सकता है, रुका हुआ धन आने वाला है तो भाई वो भी नहीं आएगा, तो ये इन प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनि के मंत्र का जप कीजिए, शनिवार के दिन भगवान शनि का जो है तेल से अभिषेक कीजिएगा, हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इन उपाय को अगर आप करेंगे तो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स काफी हद तक आपकी कम हो जाएंगी और शनि की अशुभ दशा का प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शनि जब अष्टम के स्वामी होते हैं तो जीवन में एक बार, वर्ष में एक बार और इस ढाई वर्ष में एक बार आपको बहुत ज्यादा पैसा भी देंगे और सक्सेसफुल भी बना देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में शनिदेव पावरफुल हैं और बहुत अच्छी योग में बैठे हुए हैं तो इस दशा से आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन शनिदेव खराब हैं, अशुभ हैं, शुभफल कारक नहीं है, तो फिर बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।